नागालैंड में सदियों से नहीं सौ सौ सालों से कुत्तों का मांस खाते हैं। अब एक दिन हिंदुस्तान, जो सालों से शिकायत कर रहा है कि नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, जहां कानून भी बना है कि कुत्तों का मांस नहीं खा सकते हैं, FSSAI ने मांस के लिए कहा है कि ये गैरकानूनी है, कि हिंदुस्तान तंग आ गया। तो पिछले साल हमने क्या किया, हमने ऑर्गेनाइज किया कि सोशल मीडिया के ज़रिए हमने लोगों को कहा कि आप ईमेल्स भेज दीजिए चीफ सेक्रेटरी को और मुख्यमंत्री जी को। दो रातों के अंदर 1,24,000 ईमेल्स चले गए। नागालैंड की सरकार एक दिन में सरेंडर कर गई। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुला करके डॉग मीट इलीगल कर दिया, डॉग मार्केट बंद कर दिए, डॉग स्मगलिंग बंद कर दिया। ये अलग बात है कि कुछ दिनों बाद कुछ लोग अदालत चले गए और अदालत ने स्टे दे दिया है, और हम अब पीपल फॉर एनिमल्स, मैं और नागालैंड की सरकार, ये लड़ रही है स्टे गुवाहाटी हाईकोर्ट में। लेकिन कानूनन अब नागालैंड में कुत्ते का मांस खाना गैरकानूनी है, और मैंने नहीं ये किए, ये आपने किया अपने ईमेल भेज करके, अपने इंस्टाग्राम भेज करके, अपने ट्विटर भेज करके। मैं आपसे ये मांग रही हूँ कि अगर आप ये पढ़ते हैं तो मैं चाहती हूँ कि करीबन 20 लाख लोग भेजें प्रधानमंत्री जी को कि जल्दी से जल्दी ये कानून पार्लियामेंट में आ जाए, जिसमें से प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट में जो फाइन्स हैं, जो पेनल्टीज होते हैं जानवरों के साथ अभद्र व्यवहार करने का, वो और मारने का, पीटने का, कत्ल करने का, ये इनके जो फाइन्स हैं वो बदलने चाहिए। मैं नहीं कर सकती हूँ, ये आप ही कर सकते हैं। तो अगर आप रोज़ के रोज़ सुबह उठते ही, खाना खाते ही, शाम के वक्त जाते ही ईमेल्स भेजें, ट्विटर भेज दें, इंस्टाग्राम भेज दें, तो जब पहाड़ टूटेगी ना, तो फिर सरकार ज़रूर ये कानून पास करेगी। अगर आप सुस्ती से काम लेंगे तो सरकार भी सुस्ती से काम लेगी। आखिर बनाई तो आपने ही है ना इस सरकार को।